अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहिन के किचन में ढाबे जैसी दाल फ्राई बनाएंगे आज हम। उसके लिए तुवर दाल एक कप लिया मैं इस कप से, और मूंग की दाल एक कप, ये वाला से कप, आधा कप। दाल को 3 से 4 पानी से अच्छी तरीके से धो लीजिए। अभी इसमें ऐड कीजिए 2 गिलास वाटर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, 2 हरी मिर्चियाँ, अदरक के चंद पीसेस, थोड़ा सा ही नमक, नमक थोड़ा सा ही डालें, फिर बाद में और डालेंगे अपन। अगर ज़्यादा डालने पर दाल नहीं गलेगी, दाने दाने रहेगी। अब हम इसको इसका लीड लगाकर 3 से 4 सीटी तक पकने देंगे। 3-4 सीटी दे चुका, अब हम इसको खोलेंगे। हाँ देखिए, 3-4 सीटी हो चुके हमारे, अब हमारी दाल गल गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे और 2 गिलास वाटर, क्योंकि मैं तब इसलिए नहीं ऐड करा, कुकर में से बाहर निकलकर बह जाएगा, इसलिए नहीं ऐड करी। अभी ऐड करेंगे 1 गिलास होगा और 1-2 गिलास। अब इसको थोड़ी देर और पकने देंगे। अब हम पकने के लिए इसको दूसरी ओर शिफ्ट कर देंगे, फिर अब यहाँ पर दूसरा भाग दाल का हिस्सा काम कर लेंगे। इधर पैन लेंगे, हाँ 50-60 ml ऑयल ऐड करेंगे, पैन में डालेंगे 2 मीडियम साइज की कटी हुई, बारीक कटी हुई प्याज, इसको लाइट भून लेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। हाँ देखिए दाल हमारी ऐसी। अभी हम इसको क्या करेंगे पता है, ये दाल घोटने लेकर थोड़ा सा लाइट लाइट घोट लेंगे, ज़्यादा नहीं घोटेंगे, पेस्ट नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा सा लाइट। अगर पेस्ट बना पर फिर उसका टेस्ट ही अलग हो जाता, वो नहीं, अपन ढाबे जैसी दाल बना रहे हैं ना, फ्राई दाल। इधर साइड हमारी प्याज अभी फ्राई हो रही, अभी नहीं फ्राई नहीं हो चुकी, होने दीजिए। और अब इसको हम इस तरह करते जाएंगे। हाँ इस तरह देखिए, थोड़ी पानी और थोड़ी दाल रहेगी, देखिए 1/2 स्पून नमक डाल लीजिए, स्वाद अनुसार आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग टू आपके हिसाब से नमक डालिए। हाँ देखिए प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो रही, अभी हम गैस को धीमे करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1/2 स्पून मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी चिटकी भर। अब इसको मिक्स करेंगे, फिर ये जो दाल को लेकर इसमें ऐड करते जाएंगे। बिस्मिल्लाह, एक दाल से भी बनेगी, मगर हम इसलिए 2 दाल ऐड करें, क्योंकि अगर खाली तुवर दाल लेने से ही तुवर दाल नीचे रह जाएगा, उसका पानी ऊपर आ जाएगा। मूंग की दाल और तुवर दाल दोनों मिलाकर लेने से बाइंडिंग बहुत अच्छी रहती, दोनों मिक्स होकर इस तरह रही, देखिए। इसलिए दोनों लेने से अक्सर दोनों ही लिया करिए, ढाबे जैसी दाल बनाना हो तो। हाँ बटर लीजिए, हम देसी घी वाला देसी तड़का देंगे इसमें। अगर आप लोग घी खाते हो तो घी से भी तड़का लगाइए, बहुत मजे की होगी। बाद लोग घी नहीं खाते, लिहाजा हम बटर से तड़का देंगे, तड़का मीन्स बगहर। अब ये इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन को लेकर काट लिया 8 से 10 लहसुन के कलियां। हम ऐड करेंगे कश्मीरी सूखी मिर्ची 4, अगर आपके पास दूसरी वाली नॉर्मल मिर्ची भी हो तो ऐड कर सकते। थोड़ी सी मिर्ची ऐड करेंगे, खाली सिर्फ कलर के लिए, फ्लेवर के लिए बस। अब हम इस तड़के को दाल में ऐड करेंगे, ढाबे जैसी दाल में अभी ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा कोकने, अभी जो तड़का बना लिया ना, तब वो तड़का इसमें तड़का लगाएंगे। दाल फ्राई ढाबे जैसी बन गई, देखिए, अरे वाह, देखिए दाल, देखिए। अब ये दाल रोटी के साथ खाइए आप, वाह मजा ही आएगा, देख पर टेस्ट रहेगी, एक बार आप लोग ट्राई करके देखिए।
शाहिन के किचन में फ्राई दाल ढाबा जैसी बन के तैयार हो चुकी, खुद भी खाइए और दूसरों को खिलाइए। प्लीज सब्सक्राइब।